महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण, जो स्वयं सूर्यदेव के एक अंश थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। लेकिन उनके पास एक और ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पास थी भगवान सूर्य नारायण से जन्मजात प्राप्त की गई एक कवच और कुंडल, जिसके साथ होने से वे अजय अपराजय अमरता को प्राप्त थे। दरअसल मित्रों, जैसा महाभारत में लिखा गया है कि कर्ण जब तक उस कवच और कुंडल से सुरक्षित थे, तब तक उनको कोई भी हरा नहीं सकता था, स्वयं अर्जुन भी नहीं। मगर मित्रों, ये बात आप जानते हो कि देवराज इंद्र द्वारा मांगने पर उन्होंने वो चीज उसे दान कर दी, कवच और कुंडल उनको दान कर दी, जिसके बदले उनको शक्ति मिली थी देवराज इंद्र की। मगर मित्रों, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जो कर्ण के कवच और कुंडलों को भेज सके? मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, और आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी शक्ति थी महाभारत की। इनमें से मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी शक्ति थी जो तोड़ सकती थी सूर्यपुत्र कर्ण के उस कवच और कुंडल को जो स्वयं अमृत से निर्मित थे। वैसे देखा जाए तो इस पूरे विश्व में बहुत सारी शक्तिशाली अस्त्र हुए हैं, जिनमें से एक शक्तिशाली अस्त्र है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसके प्रहार से क्या टूट सकता था कर्ण का कवच और कुंडल। दूसरा अस्त्र है अर्जुन को प्राप्त हुआ भगवान शिव का पाशुपदास्त्र, क्या पाशुपदास्त्र में इतनी क्षमता थी कि वो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ दे। वैसे इसके अलावा भगवान विष्णु यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दो और दिव्यास्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण के एक और दिव्यास्त्र का वर्णन आता है, जो है नारायणास्त्र, क्या नारायणास्त्र जिसका प्रहार अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर किया था, क्या यह अस्त्र हरा सकता था स्वयं कर्ण के कवच और कुंडलों को? ये आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ये दर्शक कितना जानते हैं। दरअसल इन सबको छोड़ मैं एक चीज़ की तुलना नहीं करता, वो है भगवान महादेव के त्रिशूल की, क्योंकि सच में जो परम पिता हैं उनसे क्या युद्ध करना। आप मुझे अपने कमेंट में राय बताइए, और मुझे अगली वीडियो भगवान परशुराम जी के ऊपर होने वाली है, आप बताइए आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, इसका आंसर आप दोगे, बताइए कमेंट में, लिखिए अपनी अपनी राय दीजिए, एक दूसरे की कमेंट को बताइए गलत की सही, और सबके अंत में मैं बताऊंगा कि कौन सा उत्तर मुझे सबसे सही लगा। जय श्री कृष्ण, अवश्य लिखिए।